जनपद मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन व प्रदूषण विभाग व अग्निशमक के अधिकारियों ने जनपद के इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ने वाली बड़ी पेपर मिलों व केमिकल फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया है। फैक्ट्री में जांच पड़ताल करने पर मोचा हड़कंप एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश पर की जा रही जांच पड़ताल, अगर किसी भी तरह की फैक्ट्रियों में मिलेगी कोई भी कमी होगी कार्यवाही। वही उद्योगपति अभिषेक अग्रवाल व उद्योगपति मनीष कपूर ने बताया कि आज प्रशासनिक अधिकारियों की टीम फैक्ट्री में आई थी, जांच पड़ताल की गई है। हम सरकार के मानकों के अनुरूप फैक्ट्री चला रही है और कोशिश करते हैं कि फैक्ट्रियों में कोई अनियमितता ना हो, जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण फैक्ट्रियों में ना हो। हम लोग सरकार की मंशा के अनुरूप व की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, जिससे कोई परेशानी ना हो। आज प्रशासनिक टीम आई थी, कोई अनियमितता नहीं मिली। वही फैक्ट्री में जांच पड़ताल एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम सदर परमानंद झा, एसके पेपर मिल का औचक निरीक्षण किया। एडीएम प्रशासन ने कहा कि ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। आज एडीएम साहब के नेतृत्व में एक टीम हमारे यहाँ आई है, उसमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी थे, फायर के सीएफओ साहब भी थे और एसडीएम साहब भी थे। उन्होंने हमारी मशीन को देखा, ईटीपी चेक किया है, बॉयलर में जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसको चेकिंग किया है, बाकी पानी को देखा है कि जो हम रिसाइकिल कर रहे हैं कि किस तरह से कितना पानी हम रिसाइकिल करके दोबारा से यूज़ कर रहे हैं, वो सब चेक किया है। सब हमारे हिसाब से तो सब कुछ ठीक ठाक ही चलता हुआ देखा गया है। सर, किस तरह की अनियमितता प्रशासनिक अधिकारी हुई? नहीं, अभी तक तो कोई अनियमितता ना उन्होंने बता पाई है, ना उन्होंने बताई है, ना कोई पाई गई जी। सब कुछ ठीक ही चल रहा है। कोई मैसेज फैक्ट्री मालिकों के लिए, इस तरह की जो भी घटनाएं होती रहती है फैक्ट्रियों में, पन्नी जलाना या कुछ और भी वाटर को लेके शिकायतें चलती रहती हैं साहब, चेकिंग होती रहती है डिपार्टमेंट। मैं समझता हूँ आज की तारीख में तो 10 से 15 दिन के अंदर कोई ना कोई चेकिंग किसी ना किसी डिपार्टमेंट की होती रहती है और सब कुछ ठीक ही पाया जाता रहा है, लेकिन फिर भी शिकायतें लगातार चल रही हैं। अब उसके कौन लोग हैं जो शिकायतें करते हैं? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है साहब कि मैं बताऊं कि आपको कौन शिकायतें करते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बहुत छोटा शहर है, आपदारी सब खराब होती है तो दिक्कतें होती है। दिक्कतें बहुत होती हैं साहब, देखिए दिक्कतें होती हैं, सब लोग आते हैं, सब लोग डिपार्टमेंट आता है, चेकिंग करते हैं। अब हमेशा भी ऐसा होता है कि हम कोशिश तो करते हैं कि सही चले, लेकिन मशीन है 24 घंटे मशीन चलती है, 24 घंटे मशीन भी नहीं चल सकती ठीक ठीक, तो कहीं ना कहीं वो रहता है कि ऐसा ना हो कि मशीन बंद हो किसी कारण से, हमारी कोई गलती ना हो, लेकिन डिपार्टमेंट आए उस वक्त कोई कमी ऐसे पकड़ी जाए, तो वो उस वक्त वो डर लगता है। बस ठीक है, देखिए ये पॉल्यूशन को लेकर के और जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं जिनकी इंडस्ट्री चलाने को लेकर के तमाम NOCs और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उन सारे विभागों के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जो जितने भी जनपद मुजफ्फरनगर में इस तरह के इंडस्ट्री हैं उन सभी का निरीक्षण करना है। उसके क्रम में हम लोग आज कुछ जो पेपर मिल्स हैं उनके निरीक्षण किए, वहाँ पर पोल्यूशन की, जिसमें कि बॉयलिंग पॉइंट, किस तरह के उनके फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो वाटर उनका ट्रीटमेंट प्लांट है वो लगा है कि नहीं लगा है। एक हम लोगों ने ये भी प्लान किया था कि जहाँ पर उनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है उसको CCTV कैमरे से कवर करें और उसको DM वार रूम से भी उसको एक्सेस लिया जाए, ताकि हम लोग भी वहाँ ऑफिस में बैठ करके भी उसका देख सकें। इसके अलावा इनकी जो श्रम पंजीकरण रजिस्टर है, GST पंजीकरण है, या फायर सेफ्टी के अधिकारियों के साथ हम लोग फायर सेफ्टी का है, तो इन सारी चीज़ों का हम लोगों ने निरीक्षण किया है और उन सभी अभिलेखों को हम लोगों ने चेक किया है। सर, इन पेपर मिलों में लगातार शिकायत मिलती है ईंधन के रूप में पन्नी कचरा जलाते हैं। देखिए इन्हीं सब स्थितियों को लेकर के हम लोग एक चेकिंग कर रहे हैं। फिलहाल आज मौके पे तो हमें पन्नी जैसी कोई स्थिति नहीं मिली है, लेकिन लगातार ये हम निरीक्षण करते रहेंगे, दिन में भी करेंगे और रात में भी करेंगे। और अभियान कब तक चलेगा सर? ये चलता रहेगा ये, और अगर कहीं पर भी हमको पन्नी जैसी स्थिति जलाने की मिली तो वहाँ पर कठोर से कठोरतम कार्रवाई। क्या नाम है जी? कौन कौन से विभाग साथ में आपके? हमारे साथ में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट हैं, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, मजिस्ट्रेट हैं, सभी हमारे साथ।